हेलो, ये बैकलैश के बेस्ट मैचेस और बेस्ट मोमेंट्स के बारे में तो हमने बात कर ली थी। मतलब ठीक है, एक साल पहले की थी, लेकिन की तो थी ना। हाँ, तो तभी आज प्रियांशु और अरमान की तरफ से कमेंट आया कि जयब्रो बैकलैश के सबसे घटिया वाहियात फालतू मैचेस बताओ। नहीं, इन्होंने इतना तो नहीं लिखा, इन्होंने लिखा सिर्फ वर्स्ट मैचेस बताओ, लेकिन बाकी मैंने अपना एड ऑन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो एज ऑलवेज आगे जाने से पहले अगर आपके मन में कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे कम घटिया वाले मैच से, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे सबसे ज्यादा घटिया वाले की तरफ, ठीक है। एंड मैच नंबर 5 है द बिग शो वर्सेस द ग्रेट खली, जो कि हुआ था बैकलैश 2008 में। वैसे तो यार आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपको अभी तक खुद ही आईडिया लग गया होगा कि क्या 5-स्टार क्लासिक हमें ये मैच देखने को मिला होगा। भाई क्या फ्रॉग स्प्लैशेस, शूटिंग स्टार प्रेस, ओ हो हो हो, क्या ही बोलूं, क्या मैच था यार ये। नहीं वही मैं पूछ रहा हूं, बस थोड़ी सी टोन चेंज करके, कि क्या मैच था भाई ये। भाई 2008 में मैं 6 साल का था, इतना घटिया है मैच था कि मुझे अभी तक याद है, क्योंकि यार उस टाइम पे तो मतलब स्टोरी लाइंस वगैरह इतने को समझ नहीं आता था। बट यार देखो ना, एक कैजुअल ऑडियंस को सेल करने के लिए बहुत ही अच्छा मैच है कि ग्रेट खली वर्सेस बिग शो, दो जायंट्स लड़ने वाले हैं बैकलैश में। तो मैं भी बच्चा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही मजा आएगा, सोचो मुझे तब बेकार लगा मैच, तो आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो मैं तो बोलूंगा भाई क्या टट्टी है ये। होता क्या है, मैच में पहले तो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, ग्रेट खली पहले बिग शो गिरा देते हैं, और पूरे मैच में ग्रेट खली ने क्या डोमिनेट किया बिग शो को, रिंग के बाहर फेंका, रिंग के अंदर मार रहे हैं, बिग शो उठाने की कोशिश करते ग्रेट खली को और खुद ही गिर जाते हैं। और अभी बता रहा हूं मैं आपको, इस मैच में बिग शो जीतते हैं। अब ऑब्वियसली यार ये सुन के मन में आएगा कि यार बिग शो ने बहुत ही कमाल का अपना मोमेंटम वापस लाया होगा मैच में, ग्रेट खली को डोमिनेट किया होगा वापस से, और कमाल की टैक्टिक्स लगाकर फाइनली इस मैच को जीत लिया होगा, है ना। बट नहीं 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 नहीं, WWE भी लाइक हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या, लास्ट तक ग्रेट खली ने डोमिनेट किया भाई मैच में, बस बिग शो ने एक बार रिवर्स किया कोई मूव, ग्रेट खली को चॉक स्लैम लगा दिया, 1, 2 and 3 मैच एंड्स, बिग शो विनर, खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। और अगर मैं आपको थोड़ी पुराने मैचेस की स्टोरी बताऊं तो ऐसे ही होता था, स्पेशली जॉन सीना के मैचेस में, पूरे मैच में मतलब मार खाएंगे, लास्ट में बस एक मूव को रिवर्स करके वो फिनिशर लगा देंगे और जीत जाएंगे मैच को। ओ भाई भाई भाई, मतलब जितना आपने सुना होगा कि यार पुराने मैचेस बहुत ही अच्छे होते थे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं सच्चाई कि जो खराब होते थे वो बहुत ही मतलब हद ही लेवल पे खराब होते थे। वैसे आजकल भी क्या ही डिफरेंस आ गया उसमें। हां तभी WWE भी ब्रॉक वर्सेस ओमस, सेथ वर्सेस ओमस, शायद रोमन वर्सेस ओमस, गोल्डबर्ग वर्सेस ओमस, बस बहुत हो गया। अरे हाँ यार, बीच में याद आया, सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने 10 डोरेमोन के गैजेट्स बताए हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो जाके देख लेना यार, मुझे नहीं पता इस वीडियो पे व्यूज कितने आएंगे, बट यार उस वीडियो पे 1K करवा दो यार। और अगर आप डोरेमोन फैन हो फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पिन कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैच है, भाई क्या ही बताऊं मैं, मतलब उस टाइम पे रोमन का कैरेक्टर एक तो इतना खराब चल रहा था, फैंस वैसे ही रोमन का नाम सुन के मुंह फेर लेते थे, ऊपर से समोआ जो का कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग चल रहा था, और आपको याद ही होगा 2018 और 19 के जो पेपर इवेंट्स थे, मतलब क्या फालतू जा रहे थे यार। लेकिन भाई रोमन रेंस को तो टॉप पे ले जाना है, रोमन शायद अभी ब्रॉक लेसनर से हार के ही आ रहे थे रेसलमेनिया में, और इतने ज्यादा ओवर सुपरस्टार समोआ जो के साथ मैच हुआ, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सेम स्टोरी पिछला जो मैच बताया वहां से कॉपी पेस्ट है, समोआ जो ने पूरे मैच में डोमिनेट किया, बस एक बार रोमन स्पीयर हिट करते हैं समोआ जो पे, पिन करते हैं, लेकिन समोआ जो अपनी लेग एक रोप के ऊपर रख देते हैं जिससे कि पिन होती नहीं है, फिर से समोआ जो डोमिनेट करते हैं, लास्ट में रोमन ने स्पीयर हिट कर दिया, वही सेम स्टोरी, रोमन ने जीत गए, और किसी चीज पे भी नहीं था ये मैच, ऐसी फालतू मैच करवा दिया था, और अपने ओवर कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने नॉट सो ओवर कैरेक्टर को जिता दिया, मतलब यही तो WWE का प्लान था। और सिर्फ ये मैच ही नहीं, पूरा का पूरा बैकलैश इवेंट ही बेकार था ये, और बाकी जो कमी बची थी वो इस मेन इवेंट ने पूरी कर दी, मेन इवेंट था ये सोचो बैकलैश का, एक तो वही जो मैंने बता दी कि मीनिंगलेस मैच था यार, किसी चीज पे था ही नहीं, ऊपर से एक्सट्रीमली बोरिंग, और उस चीज का पता आप एक ही चीज से लगा सकते हो कि इस पूरे मैच में CM Punk के चैंट्स हो रहे थे और काफी लोग उठ के चले भी गए थे। वैसे इन जैसे दोनों सुपरस्टार्स के मैच के बीच ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट चलो जो हो गया हो गया। ओके नाउ कमिंग टू द मैच नंबर 3, जो कि हमें देखने को मिला था जिंदर महल वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच एट बैकलैश 2017। वी ऑल नो ये वही शॉकर वाला मैच था जिसमें कि जिंदर महल ने अनएक्सपेक्टेडली डिफीट कर दिया था रैंडी ऑर्टन को और बन गए थे न्यू WWE चैंपियन। लुक यार बिल्कुल सच बोलूंगा, जिंदर महल कभी भी एक मेन इवेंटर नहीं थे, WWE ने उन्हें मिडगार्ड में भी नहीं लाया कभी, जॉबर से डायरेक्टली टॉप चैंपियन बना दिया, जो कि उस टाइम पे वो सच में डिजर्व नहीं कर रहे थे। लुक अगर उन्हें धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता, चीजों को लेके अच्छे मैचेस दिए जाते, तब जाके वो वहां तक पहुंचते और जीतते उस चैंपियनशिप को, तब मतलब मैं मानता भी। एक मिनट, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलो मैच की बात करते हैं, ये बहुत ही बोरिंग मैच था यार, लुक यार बीइंग एन इंडियन फुल रिस्पेक्ट टू जिंदर महल, बट यार रैंडी ऑर्टन इस मैच में आप ध्यान देना तो बहुत ज्यादा ट्राई की जिंदर महल को ओवर करने की, और बहुत अच्छे से सेल कर रहे थे जिंदर महल के मूव्स को, ताकि जिंदर महल और भी अच्छे इनक्रेडिबल सुपरस्टार लगे, और जिंदर महल के लल्लू पंजू दो सिंह ब्रदर्स तो थे ही वहां
वहां पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्टन को, और किसी को भी उस टाइम पे कोई भी मतलब कन्विंस नहीं हुआ कि यार माहौल ने डिफीट कर दिया यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को। और आज के टाइम पे तो हमें पता ही है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट टाइटल चेंजेस है WWE हिस्ट्री में। भाई मैच नंबर टू की तो मैं बात ही क्या करूं, मतलब ऐसा खुराफाती मैच हमारे विंस मैकमैन ही करवा सकते हैं। ये मैच हुआ था विंस मैकमैन एंड शेन मैकमैन यानी कि बाप एंड बेटा वर्सेस शॉन माइकल्स और भगवान के बीच। हाँ मजाक नहीं करो, सच में भगवान के बीच, द गॉड। ओ भाई साहब मुझे नहीं पता मुझे कैसे याद है, मैं सिर्फ 4 साल का था 2006 में, लेकिन मुझे ये याद है क्योंकि ऐसी चीज विंस मैकमैन ही कर सकते हैं। और ऐसी चीज मतलब अच्छा पूरा बताता हूँ, तो हुआ क्या था कि विंस मैकमैन और शॉन माइकल्स का नो होल्ड्स बार्ड मैच हुआ था शायद रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया 22 थी शायद, और वही फेमस एल्बो ड्रॉप जो कि शॉन माइकल्स ने लैडर के ऊपर से लगाई थी ट्रैश कैन विंस मैकमैन के सर के ऊपर रख के और हरा दिया था वहां पे विंस मैकमैन को। तो उसके बाद होता क्या यार, विंस और उनका खुराफाती दिमाग, वो बोलते हैं कि भाई ये जो शॉन माइकल्स मैच जीतता है ये जीतता है गॉड की हेल्प से, भगवान ने हेल्प की भाई इनकी। भाई विंस मैकमैन ने ऐसे ऐसे कांड किए जो कि सिर्फ वही कर सकते हैं। उसके बाद चर्च गए, वहां पे उन्होंने हॉली वाटर जो होता है ना, जैसे हमारा गंगा जल है बहुत ही पवित्र माना जाता है वैसे ही हॉली वाटर होता है, उसके साथ वो ट्रिपल एच को वाटर स्पिट कर रहे हैं। आज के टाइम पे सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। और वहां पे जाके भगवान से बात करे कि अच्छा भगवान मैच बुक कर रहा हूं मैं, आ जाना ठीक है, टैग टीम मैच होगा। और फाइनली फिर ये मैच हुआ था विंस एंड शेन वर्सेस HBK एंड द गॉड। और क्या ही बोलूं यार, पहले तो गॉड की एंट्रेंस हुई, बहुत ही सेक्सी एंट्रेंस थी यार वो, क्योंकि यार मैं बोलूं तो यार मैच तो अच्छा ही था क्योंकि शॉन माइकल्स के मैचेस घटिया होते नहीं है रेसलिंग वाइज। तो मैं स्टोरी की बात कर रहा हूं और इस मैच की क्रेजीनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार अब पता ही है हमें कि गॉड तो चलो गॉड मतलब ज्यादा लड़ते नहीं है, वो थोड़ा बैठे हुए थे अपने, शॉन माइकल्स लड़ रहे थे इस मैच को और वहां शेन और विंस को मारे जा रहे हैं भाई, रैंप पे जाके मार रहे हैं, विंस मैकमैन पे क्रॉस बॉडी लगाते हैं और बिल्कुल नीचे, बाद में शेन मैकमैन ने हेड चेयर शॉट लगा दिया था शॉन माइकल्स पे जिससे कि उनका हेड बहुत ज्यादा ब्लीड करने लग गया। और उसके बाद ये सब रिंग में आते हैं, विंस मैकमैन शॉन माइकल्स को ट्रैश कैन से मारते हैं और माइक लेके रोप्स की साइड देखते हैं और अनाउंस करते हैं कि भगवान बिल्डिंग छोड़ के चले गए। उसके बाद विंस मैकमैन स्वीट चिन म्यूजिक लगाने लगते हैं शॉन माइकल्स पे, लेकिन ऑब्वियसली वो ब्लॉक कर देते हैं। शेन चेयर शॉट लगाने आते हैं शॉन माइकल्स को, लेकिन वो गलती से हिट कर देते हैं अपने फादर विंस मैकमैन को। बस फिर क्या था, फिर तो शॉन माइकल्स ने मस्त पीटा अच्छे से शेन मैकमैन को, अपना सिग्नेचर लगाया एल्बो ड्रॉप, स्वीट चिन म्यूजिक लगाया शेन को और विंस मैकमैन को भी सकेट साइन किया, दो टेबल लेके आए, दोनों को लेटा दिए बाप बेटे को, एक बड़ी सी लैडर लेके आए उस पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने जंप लगाया बाहर, स्पिरिट स्क्वाड आ जाती है शायद वही नाम था ना उनका उनपे, लेकिन वो फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं यार, शेन और विंस को बचाते हैं वहां से और शॉन माइकल्स को बिल्कुल ऐसे हवा में उछाल के फेंकते हैं उन दो टेबल्स पे। विंस मैकमैन पिन कर देते हैं HBK को 1, 2 and 3 एंड शेन एंड विंस वॉन द मैच। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या हो गया, ये है बचा कुछ मेरे पास बोलने के लिए, कुछ नहीं बचा भाई, सब खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। Finally coming to the final match, that is Damian Priest versus The Miz, जो कि हुआ था Backlash 2021 में, जो कि एक लंबरजैक मैच था, लेकिन उसमें सुपरस्टार्स नहीं थे, ज़ॉम्बीज़ थे, ज़ॉम्बीज़। Look here, wrestling wise ये मैच एक क्लासिक हो सकता था, एक 5-star मैच भी हो सकता था, बट अब ये मैच सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए रिमेम्बर किया जाता है, ज़ॉम्बीज़ के लिए, जो कि इंसानों को खाते भी नहीं उल्टा मार खाते हैं खुद। तो उस टाइम पे WWE का जो था वो प्रमोशनल टाई अप हुआ था आर्मी ऑफ द डेड के साथ, WWE को लगा कि यार लंबरजैक मैच करवा रहे हैं, नॉर्मल इंसानों को लाने से मतलब सुपरस्टार्स को लाने से अच्छा है ज़ॉम्बीज़ को ले आते हैं, प्रमोशन की प्रमोशन भी हो जाएगी, पैसे का पैसा भी आ जाएगा, मैच का मैच भी हो जाएगा। और यार ये PPV काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन यार इस वाले मैच ने काफी ज्यादा कचरा किया और ज़ॉम्बीज़ यार मतलब कुछ करे तब तो मजा भी आए ना, उल्टा ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं नीचे और ज़ॉम्बीज़ को मार के आ रहे रिंग में और साथ में हाथ मिलाने लग रहे हैं। भाई कभी कभी तो WWE बुकिंग में मतलब ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही चली जाती है जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन खुराफाती आइडियाज के जो कि विंस मैकमैन के दिमाग में आते हैं और पता नहीं कहां से आते हैं। यही थे सारे मैचेस, अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, बात करनी है, तो इंस्टा ट्विटर फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय लॉगिंग आउट।